या लव स्टोरी रोमियो जूलियट। अरे अरे मूत्रा, अरे मम्मी मूत दिए वहीं पे, हुआ हुआ मूत है वहां पे, वहां पे, वहां पे। सो हे गाइस, इट्स मी डागर रियांस, वेलकम टू माय अदर फ्रेश ब्लॉग। सो आज सुबह का अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे मैं सो कर उठ चुका हूँ और अभी छत पे आ गया था, थोड़ा एक्सरसाइज योगा करने। आपको बताया था कि डेली मेरा रूटीन नया स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आ चुके थे ऊपर, तो अभी थोड़ी बहुत बाइसेप की एक्सरसाइजेस किए, थोड़ी बहुत बस पुशअप्स, और पीछे में आपको दिख रहे होंगे, आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी सूर्य उदय हो रहा है, तो अभी हम लोग अपना मेडिटेशन जो मैं करता हूँ मेडिटेशन के लिए लगाते हैं वहाँ पे अपना, और उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस टाइम मेडिटेशन उसके सामने करने से थोड़ा माइंड क्लियर ज़्यादा होता है और थोड़े अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। इसके चलते मैंने सोचा कि चलो करते हैं अब, तो एक्सरसाइज अभी बंद करते हैं, अभी मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद जब मेडिटेशन के बाद फिर एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो चलते हैं फटाफट, कैमरा सेट करता हूँ, फिर करते हैं अपना। मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा और मेडिटेशन करके 15-20-25 मिनट के बाद, मतलब 15-20 मिनट के बाद मैं जब उठा, आंखें खोली, तो जब तक मैं बैठा था उस टाइम तक देखा कि सूर्य आ गया, आपने भी देखा ही वीडियो में, और उसके बाद अभी देखा तो कहीं नहीं है सूर्य भगवान, मतलब कि बादलों के बीच में ढक गए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग के साइड कोहेसा पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग गांव साइड है ना, इसके चलते कोहेसा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ सामने कितना ज़्यादा कोहेसा, और सूर्य भगवान भी ढक चुके हैं। ये देखो गाइस कितना ज़्यादा इस साइड में कोहेसा पड़ा हुआ है गाँव में, देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो कितना ज़्यादा ये कोहेसा, घर नहीं दिख रहा उस साइड का, और यहीं पे थे हमारे सूर्य भगवान यहाँ, और पता नहीं कहाँ छोड़ के हमें चले गए। ये देख लो भाई, ये देख लो कैसे कूद रहे हैं ये लोग, और लूसी बेचारी मेरी वहाँ बैठी हुई है, और ये देखो कैसे कूद रहे हैं सब, है देखो सब कुत्तों को, वाह बेटे वाह, ये जिसका वो बालू होगा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक कुत्ता है, यहाँ ये दिखा आप लोगों को, एक वहाँ पे भी है, और कुत्तों की तो गैंग चल रही है आजकल, ऐसा लग रहा है मेरे को एकदम गैंग चला रहे हैं कुत्ते। मेन चीज़ है कि ठंडी का टाइम आ गया, तो इनके ब्रीडिंग का टाइम आ गया, ये बच्चे बच्चे देते हैं ठंडी में, आप लोगों को भी पता ही होगा, इसलिए इतने सारे कुत्ते मिल रहे हैं मीटिंग के लिए। मैं भी कन्फर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे डॉग्स हैं। गाइस देख लो आप लोग, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, कि मम्मी आएगी ना आके अच्छे से फ्रेश होगा तो खाएंगे, और ये देखो खाने लगी, मतलब क्या ही बोलूँगा, कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है। मम्मी आज के बाद सब खत्म खत्म मजाक कर रहा हूँ गाइस, चलते हैं अभी फटाफट हम लोग अपना खाना लेकर के आते हैं, क्योंकि मम्मी तो ला दी अपना, उसको लगा था कि लेके, मतलब मैं जा चुका हूँ खा चुका हूँ, लेकिन उसका वेट कर रहा था, मम्मी के बिना नहीं खाते हैं पता नहीं क्यों। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। अभी मम्मी तो रोटी सब्जी खा रही, रोटी सब्जी, और कल रात में मकुनी बना था वो। तो गाइस देख लो आज का हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, चावल, मकुनी, अचार और सब्जी है, पता नहीं कटहल वटहल की, पता नहीं किस चीज़ की सब्जी है। आज के बाद तुम मन से बात मत करना, नहीं करोगी ना, हैं कह रहे हैं बात मत करना, तो कह रही है नमक तनकी लेते आओ। गाइस गाइस अभी चीटिंग हो चुका है हमारे साथ, ऐसा कहे की बताओ, कहे ऐसा की क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे। गाइस चावल इतना सारा मैं अपने लिए लेके आया था, और मम्मी अपने में ले ली, मेरा खलिया दी, कहे मम्मी चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है, पता है ना, फिर हमको जाना पड़ता ना, तुम अपना लिए जाकर लाओ, फिर जाए यही काम रह गया कि बार बार जाएगा, मैं बड़ी मारेंगे, डर नहीं है खाते में, गजब वाले भाई ले ली तो मजे में नहीं आ रहा, एक बार बाहर का देखो कितना सही लग रहा है, व्यू आ रहा है। ये देखो गाय जा रही है, अंकल जी उसको ले जा रहे, अरे घिचल 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 तुम करेंगे, घिचल ना घिचल। और यहाँ पे देखो हल्की हल्की धूप है, लेकिन बारिश हल्की हल्की टिप टाप पड़ रही है। गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग अपने दुकान में, आपने दुकान देखी नहीं होगी मेरी, मतलब ये हमेशा बंद ही रहता है, कुछ साल पहले 2-3 साल पहले ये चल रही थी हमारी दुकान, उसके बाद बंद हो गई दुकान, पता नहीं कोई कारण था कि क्या, पता नहीं हम लोग उस टाइम रहते नहीं थे, मतलब मैं नहीं रहता था, मैं तो डेली दीदी जीजू के साथ ही रहता था, और पता नहीं कुछ ऐसे ही बंद हो गया था दुकान, तो अभी खुला है, लेकिन इसमें मैंने अभी देखा
कितना सारा सामान है, इतना सारा सामान, मतलब दो तीन लाख, तीन चार लाख का तो इसमें सामान ही दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देख लो ये कितना सारा सामान है, ये पेंट वेंट, ये पेंट का हमारा हार्डवेयर का दुकान था, ये देख लो ये सारे सामान देख लो ऊपर में टांगे हुए, ये देखो इधर तो भाई पूरा पेंट पेंट की लिक्विड जितनी होती है भरी पड़ी है। देखो मंदिर है ये, पापा से पूछा कितने का, बोल रहे हैं 25-26 हज़ार का मंदिर है। और इस साइड देखो पूरे घोड़े वाले, पूरी सीनरी जो टाइल्स मार्बल वाली होती है, सारी चीज़ें देख लो आप लोग, ये देखो सारा मतलब पूरा एकदम रेडी एकदम दुकान है, बस इसमें सामान ला के बस चलाना है किसी को। तो पूरा देख लो ये पूरा सारा सीट वीट जो सिंक विंक वाला होता है सब कुछ है, ये मत देखो आप लोग, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और ये पूरा यहाँ पे अभी मम्मी आ चुकी है, धूप जला रही है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद दुकान खुला है ना, हाई देखो जल ही नहीं रहा इनसे। जला ली मम्मी, जला ली, जला दो अंदर ले जा रही हो जलाने, जलाओ तो फटाफट से जला दो फिर। और यहाँ पे ये धूप वाला रखा हुआ है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे मम्मी पूजा अपना दी है ना गणेश जी लक्ष्मी जी ऊपर में, ये रहे गणेश जी लक्ष्मी जी, उज्जैन बाबा महादेव, साईं बाबा दुर्गा माँ। मम्मी मस्त पूजा भी कर रही है यहाँ का, यहाँ पे भी कुछ फोटो तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे साईं बाबा हैं, विश्वकर्मा भगवान हैं। और गाइस कोई चाहे तो मेरे को गूगल पे फ़ोन पे से यहाँ पे आप डाल सकते हो स्कैनर की फ़ोटो, मैं आपको दे रहा हूँ यार, देख लो कुछ डाल दो 10-20 करोड़ रुपए थोड़ा। तो इधर ही रख देते हैं, सामने कोई आएगा तो भैया स्कैनर सामने दिखेगा उसको, इधर पूछ दें, ठीक है पूछ दे रहा। लूसी पहले ही पहली हम लोग की कस्टमर बन के आ गई। तो गाइस फाइनली पूरा साफ वाफ हो चुका है यहाँ पे, पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे साफ कर दी हमने, मैं और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए मस्त एकदम। बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गया तो जाके थोड़ा नहाऊँगा अभी मैं। और पीछे देख सकते हो हमारा कितना लंबा ये दुकान है, मतलब पहले ये था यहाँ से येलो वाला दीवार था, इसको तोड़ दिया गया, फिर पीछे वाला दो रूम था तो उसको एक रूम में सारा ये हॉल टाइप का बना दिया गया है, देख सकते हो पूरा आप लोग। और मम्मी यहाँ पे फ़ोन चला रही है, बाबू से बात कर रही थी अभी, तो अब देखते हैं। फिर मेरे को एक दो दिन में दिल्ली निकलना है, तो पता नहीं दुकान कौन खोलेगा, पापा तो उधर ही रहते हैं, मम्मी कौन खोलेगा दुकान से क्या? मम्मी बोल रही है मैं ही खोल के बैठूंगी, तो अच्छी बात है, खोल के मतलब अच्छा नहीं लगता है। और दिवाली से इसमें सामान वामान भी आने वाला, देखो नया दुकान की तरह अच्छी फीलिंग आ रही है, ऊपर अच्छी फीलिंग आ रही है, ऊपर में भूत के जैसे बैठे रहते कुछ पता ही नहीं चलता क्या मम्मी? बोलो हे गाइस, हे गाइस कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? मेरे बेटे के चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरे बेटे को चैनल को आगे बढ़ाइए। क्या देख रही हो? पता ना क्या क्या देखते रहती है, सास बहू की लड़ाइयां। मजा नहीं आ रहा है जी। मम्मी क्या देख रही है, देखना ध्यान से, क्या क्या देख रही है? सास बहू मतलब कि बेटा है ये वाला उसका पापा है, दूसरी शादी करके आई, यही सब देखो तुम है। और देख देखे कैसे खुश हो रही है एकदम, या तो नहीं ये सब देखो तुम, बस यही सब देख देख हंसो हंसो बस यहाँ पे बैठ के। लूसी का फ्रेंड है गाइस, देखो दोनों कैसे कूद रहा है। लूसी आजा अपने फ्रेंड के साथ आजा, बैठ यार, लव स्टोरी रोमियो जूलियट। अरे अरे मूत्रा, अरे मम्मी मूत दिया वहीं पे, हुआ हुआ मूत है वहाँ पे यहाँ पे मूत के गया, मूत दिया खुलो अभी। हाँ भाई लूसी ने मुंह काला करा दिया मेरा यहाँ पे बैठा के, टॉयलेट कर दिया उसके रोमियो ने, उसके हस्बैंड ने टॉयलेट किया है। लूसी को हगाने मुताने के लिए। अरे अब रहेगी नहीं, टट्टी बाथरूम करती है बाहर जाके, ऐसा नहीं हो बाहर जाके करती है, उसके हस्बैंड ने यहाँ पे करती है, अब उसको गोली मार देंगे हम लोग। बैठे बैठे काफ़ी टाइम ज़्यादा हो चुका है और अभी शाम के 4 बज चुके हैं, शाम हो चुका है, अब दुकान मैं बंद करूँगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइज़। और एक और चीज़ गाइज कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा मेरे को सपोर्ट दिखाओ, मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाना चाहता हूँ, बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप करोगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। मुझे पता है बहुत लोग अभी हटा देंगे, हटा दो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा तो लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे हेटर्स भी हैं,
अभी चैनल आप बोलोगे कि चैनल बड़ा हुआ नहीं, हेटर्स कहाँ से आ गए, लेकिन बहुत सारे हैं क्योंकि हमारी यूट्यूब वीडियो ऐसी होती है कि जब मैं यहाँ पे बिहार में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कैमूर में मैं बिहार में हूँ तो बिहार में वीडियो बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरे आसपास के लोग देखते हैं और वो लोग ज़्यादा मेरे आईडी पे हेट करते हैं, हेट कमेंट्स ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मोटिवेट करने वाले भी हैं। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा मेरी वीडियोस अभी वायरल नहीं हो, लेकिन जितनी हो रही मेरे लिए बहुत है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आई लव यू गाइस और प्लीज़ सपोर्ट किया करो मेरे को, बस एक चांस चाहिए यूट्यूब पे। मेहनत पूरी अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, डेली ब्लॉग लाना कोई आम बात नहीं है। तो आज का लोग वहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलता किसी अच्छे नेक्स्ट कॉन्टेंट से, तब तक के लिए टाटा बाय।